नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एमपी अब तक का बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात छतरपुर की, जहां पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने सनातनियों से बड़ी अपील की है। धीरेन्द्र शास्त्री ने सोशल मीडिया पर सभी सनातनियों से नाम के पहले हिंदू लिखने को कहा है। उन्होंने इससे बड़ी क्रांति खड़ी होगी और साथ ही सनातनियों में जात पात का भेदभाव खत्म होगा, ये बात कही है। आज से भारत के लोग ऊंच नीच जात पात छुआछूत को अगर कम करना चाहते हैं तो अपने नाम के साथ में जात के पीछे नहीं अपनी जाति के आगे हिंदू लगाना प्रारंभ कर देवे। हिंदू लिखना प्रारंभ कर दो, या अपने नाम के आगे लिखो या नाम के पीछे लिखो, लेकिन लिखो हिंदू अंकित, हिंदू मनीष, हिंदू सत्यम, हिंदू धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से क्या होगा। जोर से पूछो, एक नया ट्रेंड का भोकाल आएगा, उनको पता लग जाएगा कि अब ये जो है ब्राह्मण ठाकुर क्षत्रिय वैश्य नहीं बचे, अब ये हिंदू हो गए हैं। जबलपुर से खबर है, जहां पर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर वक्फ बोर्ड रहेगा तो सनातन बोर्ड का निर्माण भी होना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि 10 से 12 साल बाद वक्फ बोर्ड पूरे देश पर हक जताएगा। वहीं उन्होंने 16 नवंबर को दिल्ली में विशाल धर्म संसद के आयोजन का भी ऐलान किया है। जब पूरा ही 10-12 साल रुक जाओ, वो कहेंगे पूरा देश वक्फ बोर्ड पे, वक्फ बोर्ड का है, और हम लोग मजे से कुर्सियों के लिए राजनीति कर रहे हैं। अरे कुर्सियों का विषय नहीं है, देश को सुरक्षित, संस्कृति को सुरक्षित, हमारी बहन बेटियों को सुरक्षित करने का विषय है, धर्म को बचाने का विषय है, और हम सबको एक स्वर में इस देश को बचाना चाहिए। हमारा इस देश को आजाद करने में कोई योगदान नहीं है, पर इस देश को बचाए रखने में हमारा योगदान हो सकता है। ये सभी हिंदुओं से मैं कह रहा हूं, सभी सनातनियों से कह रहा हूं, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। आने वाली पीढ़ी को बचाना है, संस्कृति को बचाना है, धर्म को बचाना है, इस देश को बचाना है, तो हम सबको एक स्वर में उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा जो वक्फ बोर्ड के साथ तो खड़े होते हैं लेकिन सनातन बोर्ड की बात नहीं करते। हमें उनके साथ उनसे जवाब मांगना है, जो व्यक्ति हमारे धर्म की हत्या होते हुए हमको देख रहे और हमारे साथ कोई खड़ा नहीं होता। सीहोर के बुधनी से बीजेपी प्रत्याशी रमाकांत भार्गव ने नामांकन दाखिल कर दिया और इसी दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मौजूद रहे। इससे पहले बीजेपी ने रैली निकाली, रैली का जगह जगह स्वागत भी किया गया। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि बीजेपी उपचुनाव में प्रचंड मतों से जीत दर्ज करेगी। तो वहीं केंद्रीय मंत्री का कहना था कि बुधनी मेरी कर्मभूमि है, उन्होंने भी बीजेपी प्रत्याशी की जीत का दावा किया। उत्साह उमंग के साथ आज जो नामांकन फॉर्म भरा है, यही बता रहा अपने आप में कि यहाँ भाजपा की प्रचंड बहुमत के साथ जीतने की लहर चल रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, कोई घर ऐसा बाकी नहीं रहा जो आज अपने इस कार्यक्रम में नामांकन फॉर्म की रैली में शामिल नहीं हुआ है। और बुधनी वो स्थान है जहाँ से हम 90 के बाद से यशस्वी हमारे माननीय शिवराज सिंह चौहान के साथ यहाँ जीत का परचम हमेशा लहराते आए हैं। सारे भाजपा का परिवार और परिवार के भाव से आज मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, महेंद्र सिंह जी, हम स्वयं हजारों हजार कार्यकर्ताओं के साथ रमाकांत जी का फॉर्म भरवाने आए हैं। आज हर घर रात बुधनी में देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी का झंडा है, जनता के मन में प्रचंड उत्साह है, असीम उत्साह, और ऐतिहासिक वोटों से अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ के रमाकांत की भारतीय जनता पार्टी की विजय का संकल्प है। क्योंकि यहाँ की तस्वीर और तकदीर अगर बदली है तो भाजपा की सरकार ने बदली है। दिग्विजय सिंह पर कार्तिकेय सिंह चौहान ने पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान ने कहा कि दो बार के सीएम दिग्विजय सिंह जी अलग मुझे फॉलो करते हैं, अगर
मेरा स्पीच सुनते हैं तो मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है। इसी के साथ ही कांग्रेस नेताओं पर कार्तिकेय ने डराने के आरोप लगाए और दिग्विजय सिंह के 10 साल के शासनकाल को लेकर निशाना भी साधा। दरअसल बुधनी में कार्तिकेय सिंह चौहान ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि कांग्रेस का विधायक जीत गया तो क्षेत्र में एक ईंट भी नहीं लग पाएगी और इस बयान पर दिग्विजय सिंह ने कार्तिकेय को नसीहत दी थी। और सचमुच में मेरे लिए तो ये बड़ा प्रसन्नता का विषय है कि आदरणीय चाचा साहब मुझे और मेरे बयानों को इतनी नज़दीकी से देखते हैं, इसके लिए उनका आभार। और दूसरी तरफ जहां उनके बयान का सवाल है, जहां कांग्रेस के बयानों का सवाल है, उनके नेताओं के बयानों का सवाल है, वो सब डरने डराने की बातें करते हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूँगा आदरणीय दिग्विजय चाचा, अगर डर किसी को लगता है तो बुधनी की जनता को आपके उन 10 सालों से लगता है जिसमें आपने प्रदेश को विनाश की कगार पर छोड़ दिया था। इंदौर का जिक्र करते हैं, यहां पर हेलोवन पार्टी को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अनूठा प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता तांत्रिक लेकर केईएम बिल्डिंग पहुंचे और वहां पर तांत्रिक क्रिया की जा रही है, साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ भी किया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बीजेपी नेता अक्षय कांति बम का भूत भगाने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही एमजीएम कॉलेज के डीन पर और अक्षय कांति बम पर एफआईआर दर्ज करने की मांग भी की जा रही है। चार तस्वीरें आपके सामने। कार्यकारी अध्यक्ष हैं देवेंद्र सिंह यादव, जो तस्वीर नजर आ रहे हैं वो तंत्र क्रिया उनके साथ हो रही है, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद हैं। और देखिए तस्वीर में कि जो एक तांत्रिक यहाँ पर लेकर आया है, कितने दबाव में है, जबकि मुख्यमंत्री यहाँ के मुख्यमंत्री तो है ही, गृह मंत्री भी है और प्रभारी भी है, क्या अक्षय बम के इतने दबाव में है? प्रशासन जो है कार्रवाई नहीं कर रहा है, डॉक्टर भी इसका विरोध कर रहे हैं। जो भूत है उस भूत के अलग अलग डिजाइन किए गए थे, हेलोवीन पार्टी यहाँ पर हुई थी और हेलोवीन पार्टी का ही लगातार विरोध चल रहा है और खास तौर पर मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन लामबद्ध हो चुके। रतलाम का जिक्र करेंगे, ट्राला ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी, टक्कर के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई। हादसे में एक की मौत की खबर है, दो लोग घायल हैं। सातरुंडा चौराहे के पास ये हादसा होना बताया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने रतलाम की, टक्कर के बाद देखिए किस तरह से दोनों वाहनों में भीषण आग लगी है। देखते ही देखते पूरी तरह से आग ने अपनी चपेट में ले लिया, आगोश में ले लिया दोनों वाहनों को। एक की मौत की खबर है तो वहीं घायल भी है जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। और भोपाल के अवधपुरी इलाके में बंद कमरे में बीमा कंपनी के अधिकारी का शव मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहरीले पदार्थ से महिला की मौत होना बताई गई है, लेकिन पुलिस को नेहा के कमरे से ना तो जहर की शीशी मिली थी और ना ही कोई संदिग्ध रैपर। कमरे से सुसाइड नोट भी नहीं मिला, पुलिस नेहा की मौत को संदिग्ध मानकर चल रही है। उधर मृतक के परिजनों ने मकान मालिक पर हत्या के आरोप लगाए हैं। नेहा की बहन ने मकान मालिक पर केस दर्ज करने की मांग की है। उधर पुलिस का कहना है कि परिजनों के बयान दर्ज होने के बाद पुलिस अलग अलग एंगल से जांच करेगी। वो पूरा शक मेरे को उसके मकान मालिक पे है। मेरी बेटी से सुबह मेरे 4 बजे बात हुई थी, मेरी बेटी ने ना तो मेरे से ये बोला था कि उल्टी हुई मम्मी मेरे को कि ना कुछ मालूम पड़ा, मतलब ऐसा उससे अच्छी भली बात हुई। मैंने बोला बेटा मेरे को डर लग रहा है, बोले मम्मी मैं जाग रही हूँ आप सो जाओ। उसके बाद उसका फोन बंद हो गया, मेरे को बिल्कुल भी नहीं मालूम कि क्यों फर। मैंने उसको 2 बार फोन लगाया, उसका फोन बंद आया, फिर मैंने उसके मकान मालिक को फोन लगाया तो उसके मकान मालिक बोलते कि हम बेड़ागढ़ में हैं। उसमें परिजनों में कुछ लोग बयान अभी देने नहीं आ पाए हैं, उसमें परिजनों के बयान और बाकी जो तथ्य हैं पुलिस उनका विश्लेषण कर रही है, उन पर गहन जांच कर रही है और उसमें जो भी तथ्य पाए जाएंगे पुलिस उसके अनुसार उसमें कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। शाजापुर में मिड डे मील में इल्लियां निकली हैं, स्कूल बच्चों को मिल रहा था घटिया खाना। बता दें अयोध्या बस्ती के सरकारी स्कूल का ये मामला है, कई बच्चों ने अपना खाना फेंक दिया, टीचर ने खाने की शिकायत की बात भी कही है। तो स्कूली बच्चों को इस तरह का खाना मिल रहा है, ये तस्वीरें आपके सामने, देखिए इल्लियां खाने में मिली हैं। अब ये जब मामला सामने आया है तो देखने वाली बात होगी कि इस मामले में किस तरह की कार्रवाई अब होती है। ये
थाने में लड़े और मच्छर वगैरह निकले अभी दो तीन बार, उसके लिए हमने बात भी की मध्यान होने वाले भैया से, तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि गिर गया हो रास्ते में या आपके बर्तन में ही, हमने हमारे बर्तन वगैरह भी चेक करवाया तो वो तो सब ठीक है, बाकी अब देखते हैं। वैसे बीच में सुधार हो गया था लेकिन आज फिर से निकले। और प्रदेश में महंगाई भत्ते की मांग को लेकर कर्मचारी अधिकारी एसोसिएशन एकजुट हो गए हैं। सतपुड़ा भवन के बाहर कई कर्मचारी संगठनों के नेताओं ने सरकार से महंगाई भत्ता जारी करने की मांग की है। महंगाई भत्ते के अलावा पुरानी पेंशन बहाल करने और कई मुद्दों को लेकर कर्मचारी नेता ने प्रदर्शन भी किया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के आदेश के तहत मध्य प्रदेश में भी 7% महंगाई भत्ते के कर्मचारियों ने मांग की है। महंगाई भत्ता जो रुका हुआ है जनवरी से 10 महीने हो गए वो दिया जाए, हमारे पेंशनरों को महंगाई राहत दी जाए, हमारे जो वाहन भत्ता है लिपिकों की ग्रेड पे में विसंगति है, हमारा मकान किराया है, हमारे वाहन चालकों की समस्या है, जो टैक्सी प्रथा है, इन मांगों को लेकर लगातार जो ज्ञापन हम लोग सौंप रहे हैं सरकार उस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। तो आज हमने यहाँ अपने लंच के समय एक सरकार को चेतावनी स्वरूप एक हमने सभा की है और हम चाहते हैं सरकार हमारी मांगों की ओर जल्दी से जल्द देखेगी, क्योंकि कर्मचारी जगत सरकार की ओर देख रहा है और अगर वास्तव में सरकार को कुछ करना है और सरकार को हितैषी है कर्मचारी हितैषी तो उसे जल्द से जल्द हमारा महंगाई भत्ता महंगाई राहत प्रदान करना चाहिए। मध्य प्रदेश में रिश्वतखोरी पर लोकायुक्त ने एक्शन लिया है। दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर खंडवा की दिखाने जा रहे हैं जहां पर इंदौर लोकायुक्त ने सेंट्रल जीएसटी के अफसर मुकेश त्रिपाठी को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। तो वहीं जीएसटी सुपरिटेंडेंट ने एक फर्म का सस्पेंड रजिस्ट्रेशन बहाल करने, दो फर्मों के रजिस्ट्रेशन में सुधार के लिए रिश्वत मांगी थी। जबकि दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं छतरपुर के रामटोरिया गांव की है। लोकायुक्त की टीम ने 15,000 की रिश्वत लेते सरपंच पति को गिरफ्तार किया है। रीवा गैंगरेप मामले में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। गैंगरेप की वारदात के वक्त मौके पर कुल 8 आरोपी मौजूद थे। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गैंगरेप के एक आरोपी ने कबूला है कि सभी नशे में थे और सभी ने गांजा और शराब पी रखी थी। ये हम लोग गुड़ के पास भैरव बाबा के मंदिर है वहाँ गए थे घूमने, वहाँ नहा रहे थे, खाना पीना बनाए वो लोग खाए और उसके साथ ही मुझे जबरदस्ती गांजा और दारू पिला दी गई। मैं नशे में था। वीडियो भी बनाए थे? मैं भी उसकी वीडियो बनाया था गाड़ी की। वो बोली कि नहीं, रेप का भी वीडियो बनाए थे? नहीं, वो मेरे को नहीं पता है कि वो लोग बनाए थे कि नहीं बनाए थे। जबलपुर से खबर है जहां पर माणोताल थाना क्षेत्र में महिला के साथ दोस्ती का फायदा उठाकर उसके दोस्त ने उसके साथ रेप किया। महिला की सहेली के मामा ने भी सुलह करवाने का भरोसा देकर दुष्कर्म किया, जिसके बाद पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया, आगे की कार्रवाई में जुट गई। अंतर्गत एक प्राइवेट शिक्षण संस्थान है जहां एक 22 वर्षीय युवती बीटेक की पढ़ाई कर रही थी और इसके साथ में ही पढ़ने वाले एक इसके सहपाठी जिसका नाम नूर मोहम्मद है, इसके द्वारा इसको झांसा देकर और इसके साथ जोर जबरदस्ती कर दुष्कर्म की घटना कारित की गई थी। बाद में जब इसके आरोपी मित्र को इस बात की जानकारी लगी तो उसके द्वारा भी इस बच्ची के साथ गलत काम किया गया, लिहाजा मामला संज्ञान में आने पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों ही आरोपियों। ग्वालियर से खबर है जहां पर झांसी रोड थाना क्षेत्र में जमीन विवाद में दो भाइयों को गोली मार दी गई। 6 से ज्यादा बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। बहरहाल दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, उनकी हालत नाजुक है। मामले की तफ्तीश में पुलिस जुटी हुई है। अब रायसेन से खबर है जहां पर पंदरबटा समेत कई गांव में लंबे समय से ग्रामीण पानी की समस्या से परेशान हैं। ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी परेशानी बताई और कहा कि हम लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। पानी की समस्या के चलते गांव में बहुत सारे लोगों की शादी नहीं हो रही। साथ ही ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि प्रशासन हमें पानी दिला दे,
नहीं दिला दे, नहीं या फिर हमारी शादी करवा दे। तो वहीं कलेक्टर ने ग्रामीणों की समस्या के जल्द समाधान होने की बात कही। बता दें कि शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री रहते इस क्षेत्र के चरगवां गांव में बांध स्वीकृत हुआ था, लेकिन अभी तक बांध का निर्माण नहीं हो सका। क्या है कि जमीन जो है, जमीन तो खूब है किसानों के पास, लेकिन सूखी है, जिस वजह से उपज नहीं हो पाती है। इसलिए वहाँ के लड़कों को जो है, अन्य गांव के लड़के लड़कियाँ देने को तैयार नहीं होते। तो आज भी कई गांव ऐसे हैं जहाँ 100-150 लड़के जो हैं बगैर शादी के घूम रहे हैं, जबकि उनके पास 50-50 एकड़ जमीन तक उनके हिस्से में है। 40 साल का हो चुका हूँ लेकिन शादी नहीं हुई। कोई भी आता है तो पानी देख दाख के भाग जाता है, कोई अपनी लड़की कैसे देगा। गाँव में पानी की बहुत ज्यादा समस्या है। बेगमगंज तहसील में एक चरगवां बांध का निर्माण होना है, जो कि जल संसाधन विभाग कर रहा है, और वहाँ पर भू अर्जन की कार्रवाई प्रचलित है। धारा 21 की कार्रवाई SDM द्वारा की जा रही है, तो निर्देशित उन SDM को किया गया है कि जो नियत समय सीमा के अंतर्गत भू अर्जन की कार्रवाई पूरी कर लें, और जैसे ही ये कार्रवाई होती है तो जो बांध के निर्माण का काम है वो और भी उसमें तेज़ी आ जाएगी। खरगोन का जिक्र करते हैं। स्टोन क्रेशर संचालक पर बड़ा जुर्माना लगा है। शरद जसवाल पर लगाए 17 करोड़ का जुर्माना। जी हां, कलेक्टर न्यायालय ने जारी किया है आदेश। गिट्टी पत्थर की रॉयल्टी चोरी पर कार्रवाई की है। तय समय पर जुर्माना ना भरना महंगा पड़ेगा। 35 करोड़ का जुर्माना होगा। 2019 में खनिज विभाग ने कोर्ट में प्रतिवेदन सौंपा था। छतरपुर से खबर है, जहां पर हरपालपुर रेलवे स्टेशन के पास खजुराहो उदयपुर एक्सप्रेस ट्रेन की 3rd AC कोच में आग लगी और हड़कंप मच गया। यात्रियों ने चेन को खींचा और ट्रेन को रोका। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, जिसके बाद ट्रेन को रवाना किया गया। सिटी एक्सप्रेस में बैठा हुआ और खजुराहो से जो उदयपुर की ओर जाती है उस ट्रेन में, अभी हरपालपुर के पहले M21 बोगी में आग लग गई थी। अचानक से शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई थी, जिसमें आग पर काबू पा लिया गया है। अब इसमें कोई हताहत नहीं हुई है, भगवान की कृपा से ना ही कुछ। उज्जैन में दीपावली से पहले खाद्य विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। 300 किलो मावा पकड़ा है। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने गुजरात के अहमदाबाद से आए 300 किलो मावे को जब्त किया। दीपावली के त्यौहार को ध्यान में रखते हुए इस मावे की खपत की जानी थी। खाद्य विभाग ने फिलहाल जांच के लिए सैंपल भेज दिए हैं। दीपावली का त्यौहार आते ही मिलावटखोर जो है सक्रिय हो जाते हैं, लोगों की जान के दुश्मन बन जाते हैं। ऐसे में फूड विभाग भी अपना कर्तव्य निभाते हुए मिलावटखोरों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है उज्जैन में। वहीं आज जो देवास गेट बस स्टैंड पर गुजरात से आने वाली बस में 300 कुंटल मावा उज्जैन उतरा था, जिसमें प्रवीण जैन करके जो हैं उनके द्वारा ये मंगाया गया था, और अब देवास गेट बस स्टैंड पर इसको जब्त किया गया है बड़ी संख्या में। इसकी लागत जो है 48,000 रुपये बताई जा रही है, और ये 200 से 300 रुपये किलो, 250 रुपये किलो बाजार में बिकता है। और आप देख सकते हैं इस वक्त जो है इसको चेक करने के लिए थाने के अंदर ही इसकी मिठाई बनवाई जा रही है। बाकायदा यहाँ पर कढ़ाई मंगाई गई है, गैस मंगाया गया है, टंकी लगाई गई है। मेहर जिले के कोर्ट ने मारपीट के आरोपी को ऐसी सजा सुनाई जो पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय है। दरअसल जुलूस के दौरान पुलिसकर्मी के साथ मारपीट के आरोपी पार्षद पति अरुण चौरसिया को कोर्ट ने अनोखी शर्त पर बेल दी। कोर्ट ने अरुण चौरसिया को 5 बार मेहर कोतवाली थाने में उपस्थित होकर जय हिंद बोलने की सजा सुनाई। जहां कोर्ट के आदेश को मानते हुए अरुण चौरसिया सीधे मेहर कोतवाली थाने पहुंचा, 5 बार जय हिंद के नारे लगाए। पूरा मामला दशहरा के दिन का है। मेहर जिले में समारोह के दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी के साथ अरुण चौरसिया और उसके साथियों ने मारपीट की थी। उज्जैन से खबर है, जहां पर महाकाल मंदिर में जल्द ही अनोखी सुविधा शुरू होने वाली है, जिसके तहत मंदिर में दर्शन करने वाले भक्तों को अब प्रसाद के लिए कतार में खड़ा नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि यहां प्रसाद वितरण के लिए ATM जैसी मशीनें लगाई जा रही हैं। मशीनें बनकर तैयार हैं और महाकालेश्वर मंदिर में भी आ गई हैं। दीपावली के बाद इसको स्थापित किया जाएगा। श्रद्धालु मशीन के पास जाएगा और अपना पैकेट सेलेक्ट करेगा, इसके बाद QR कोड के माध्यम से पेमेंट कर लड्डू प्रसाद का पैकेट ले सकेगा।
छतरपुर का जिक्र करते हैं, एक प्रेमी जोड़े ने कोर्ट मैरिज की है। बता दें कि दोनों को ऑनलाइन लूडो खेलते खेलते प्यार हो गया और वो प्यार इस कदर हुआ कि परिवार के बंधन भी तोड़ दिए। बता दें कि अमन अग्रवाल छतरपुर का रहने वाला है और लड़की राजस्थान के कोटा की रहने वाली है। लड़की के परिजन इस शादी के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए दोनों ने छतरपुर में शादी कर ली। अरे ठीक है,